एक चुटकी ये चीज़ अगर खाने में डल जाती है तो मज़ा आ जाता है। टीवी में भी इतने सारे आपने ऐड देखे होंगे कि बस एक चुटकी डला और लोग खींचे चले आ रहे हैं। जी हाँ, आपके रसोई में भी यूज़ होता होगा, लेकिन प्रेग्नेंट हैं तो क्या करना है, आइए आज के वीडियो में जानते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल में। आज मैं एक अमेजिंग छोटी सी चीज़ के बारे में बताने वाली, लेकिन बात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो डेली रूटीन में हमारे किचन में यूज़ होता है, खाने का स्वाद बढ़ाने में, खाने के प्रति हमारे टेस्ट बर्ड्स को, हमारे सेंसेस को एक्टिव करने में बहुत अच्छा है, खाने को पचाने के लिए भी चीज़ बहुत अच्छी होती है। वो चीज़ है क्या फ्रेंड्स? वो चीज़ है हींग। हींग हम दाल के तड़के में, कई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में हींग खाना क्या सेफ है, आइए क्लिनिकल स्टडीज़ को समझते हैं, जानते हैं सरल भाषा में। हींग पाचन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है कि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, गैस और ब्लोटिंग होती है उसमें भी इसके काफ़ी लाभ हैं। लेकिन प्रेगनेंसी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, बहुत ही नाजुक वक्त होता है और उस समय आपको अपना एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए। तो क्या ये डाइजेशन की अच्छी वाली चीज़ आपकी प्रेगनेंसी के लिए सेफ है? क्लिनिकल स्टडीज़ कहती हैं कि हींग का जब आप कंजम्पशन करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट करता है, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, क्योंकि आप ही नहीं, आपके ब्लड प्रेशर का असर आपके बच्चे पर भी पड़ता है। इसके अलावा गर्भपात का कारक मानी जाती है हींग। पुराने समय में ऐसी बहुत सी चीज़ें प्रचलित थीं कि अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना है तो हींग, अजवाइन, काली मिर्च जैसी चीज़ों की चाय या गर्म पानी में बॉईल करके दे दिया जाता था। तो ये चीज़ें गर्भपात का कारक बनती हैं। हींग को कभी कभार थोड़ी मात्रा में अगर अपनी सब्जी दाल में आप तड़के में यूज़ करते हैं तो इट्स ओके, लेकिन हींग युक्त चीज़ें डेली खाना, कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें खाने का मन करता है और अगर आप बार बार ऐसी चीज़ खा रही जिसमें हींग का प्रयोग ज़्यादा हुआ है तो हो सकता है कि आपको पेट में क्रैम्प हो जाए, हो सकता है कि आपकी हार्ट रेट पे, आपके ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ जाए। इसीलिए प्रेगनेंसी में हींग का ज़्यादा प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कई ऐसी नमकीन या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें हींग बहुत ज़्यादा होता है, तो उनसे भी बचें। कई बार हींग अगर ज़्यादा मात्रा में खा लिया जाता है तो गैस, डायरिया, पेट में दर्द की प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर आप हींग पसंद करती हैं तो थोड़ा प्रेगनेंसी में कम कर दें उसका प्रयोग, ताकि आपकी गर्भावस्था सुरक्षित रहे और जब आप माँ बन जाएं, ब्रेस्ट फीड के टाइम भी थोड़ा हींग का कम प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में आप 6 महीने बाद में आप हींग का प्रयोग कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं, तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सुझाव, अपने विचार या किसी विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे लिखें। टेक केयर, बाय बाय।